अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो कल के ब्लॉग में मैं आधा आप लोग से शेयर की थी। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो ये हो चुकी है अब शाम मतलब रात होने वाली है, सूरज डूब चुकी है। तो हम लोग जब तक ग्लास हाउस से बाहर आए थे, जब तक अंधेरा हो चुका था। पार्क कितना बड़ा है कि बाहर एग्जिट होते होते भी मतलब कि टाइम लगता है। तो ये जो पानी वाली सीन दिख रही थी वो वही है वाटर जो मैं आपको कल वाली ब्लॉग में दिखाई थी, जो दो तरफ से ऐसे बटा हुआ समंदर का जो डिजाइन बनाया गया था। तो इतना रात का व्यू है, इतना मतलब कि अच्छा, मतलब खूबसूरत सा व्यू है, एकदम साइलेंट वाले एरिया। इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा लाइट है, ये पूरा हर एक चीज पूरा जगजगा रहा है, वैसा नहीं है, पर हाँ बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो सामने जो आपको कलर कलर चेंज होते दिख रहा है, जैसे कभी पर्पल कभी पिंक, तो वही वो गुफा है केव। तो ये इतना खूबसूरत बाहर से दिख रहा है, इतना लाइटिंग जो चेंज हो रहा है, ये लाइट लगा है देखें, इसी लाइट, ये मतलब उसके ऊपर ऐसा लाइट दे रहा है ना, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मैं भी सोच रही थी कि ये लाइट किधर से आ रहा है, फिर मैं गौर की तो देखा कि ये सारे स्ट्रीट लाइट जैसे लगा होता है ना, वैसा ये भी लगा है। तो ये धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा था, ये इसकी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा मुझे ये चीज। तो हम लोग इधर आकर बैठे थे, फिर मैं सोच रही थी कि अंदर जाना है, तो हस्बैंड बोले कि मैं अंदर तो जा चुका हूँ। तो इधर मैं आ गए थे टिकट लेने के लिए, तो बाहर फिर से टिकट लेने के लिए आना पड़ा, क्योंकि मतलब टिकट लेने के लिए बाहर ही आना पड़ता है। जैसे आप पहले से प्लान कर रहे हैं तो पहले से ले लें, ऐसा मेरा हम लोगों का बाद में प्लान हुआ। तो मेरा और निशास का हस्बैंड बोले कि मैं तो गया हूँ तो तुम जाओ निशास को लेकर। मैं भी गई थी, फिर भी मैं बोली कि नहीं फिर भी जाती हूँ। तो सबसे पहले एंट्री करते हुए तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ है। ये आप इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा वॉइस रखती हूँ ओरिजिनल, मतलब आप लोग भी इसको डायरेक्टली सुन सके किस तरह से वहां पर बोला जाता है। तो वहां जिस तरह से मतलब कि सबसे पहले एंट्री करते हुए मैं बताती हूँ कि आप 5 धर्म का टिकट लेना है पर पर्सन, उसके बाद एंट्री की तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। तो आप पहले क्या था ना कि हेडफोन दिया करते थे, जिसका जो लैंग्वेज है उससे पूछ करके आपको कौन सी लैंग्वेज का मतलब सुनना है, तो उससे वो ट्रांसलेट होकर के, तो बहुत उसमें प्रॉब्लम भी होता था, किसी को सुनाई दे रहा है किसी को नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम था। इससे पहले आए थे तो हेडफोन ही था, इस बार आई तो मैं जैसी गई तो वो बोले कि कौन सा लैंग्वेज, मैं बोली उर्दू हिंदी, तो बोले उर्दू हिंदी वाले एक साथ बैठ जाएं, तो फिर एक बार इकट्ठा कर लेते हैं, इंग्लिश का अलग है अरबिक का अलग है, हिंदी उर्दू का एक साथ करते हैं क्योंकि सिमिलर ही। तो फिर हम लोग वेट किए 10 मिनट और फिर दूसरे का नंबर आया, फिर हम लोग एक लैंग्वेज वाले का आया, तो फिर उसके बाद हम लोग एंट्री किए। तभी हम लोग जितने लोग आ रहे हैं एंट्री कर रहे हैं तो सारे उर्दू हिंदी का, सबसे पहले आते ही साथ इस तरह का इंट्रोडक्शन होता है, और उसके बाद आपको जिस भी मतलब कि पैगंबर के बारे में बताया जाता है वो सबसे पहले आपको लिख दिया जाता है। जैसे पहले आपने देखा तो उस एंट्री करेंगे तो वो गुफा बना है ना गार के टाइप का, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है एकदम, मतलब ऐसा यहाँ फील होता है ना कि एकदम वो लाइफ में आप जी रहे हैं, जिस तरह से ये दिखाया जाता है वो घर वो लोग पूरा पूरा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया है। और जिस तरह का आवाज है, जैसे देखे ये इस दिख रहा है ना, ये भी प्रोजेक्टर से ही लगा है। तो ये आप जैसे एंट्री करने से पहले, और कुछ कुछ बंद भी था तो हम लोग तो ज्यादा नहीं देखे, जैसे कि यहाँ प्रॉफेट सुलेमान अलैहि सलाम वैली ऑफ, तो ये लिखा है तो उनके बारे में आप बताएगा। तो सबसे पहले आपको लिख दिया, फिर ये मतलब कि इस तरह से ओपन होता है। तो ये भी मतलब प्रोजेक्टर से ही लगा ऊपर में, आपको इतना तो अंधेरा है, मैं दिखाना चाह रही थी आप लोग ऊपर में देखें कि कितना मतलब छत में लगा है, लाइट है, प्रोजेक्टर है, एसी का है, वायर है, ये है, ये देखे प्रोफेट मूसा अलैहि सलाम के बारे में, वो जो बाहर जो दिखाई पानी वाला, वो समंदर वाली, वो वाली चीज, मतलब वो छोटा छोटा वाक्य बताया गया है, तो वो भी ज्यादा नहीं, हर वो 5 मिनट 5 मिनट 4 मिनट इस तरह का बना है। साइड में चेयर, ये चेयर ही है समझे, बैठने के लिए ही बना है, तो उस तरह का एकदम ओरिजिनल बनाया गया है कि गुफा को मतलब इस तरह से काट करके बनाया गया, हालांकि ये आर्टिफिशियल गुफा है और ये कॉन्क्रीट से ही बना हुआ है, ओरिजिनल मतलब नहीं है कि हाँ एकदम पहाड़ है उसको कटिंग करके बनाया गया, ओरिजिनल नहीं आर्टिफिशियल गुफा है। इस तरह जो बैठने के लिए भी इस तरह से बनाया हुआ है। ये जो वाटरफॉल होते हुए दिख रहा था ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा, सबसे खूबसूरत ये दिख रहा था, जैसे सारे मतलब की आर्टिफिशियली बनाया हुआ। पर यहाँ यहाँ आने के बाद आपको मतलब कि ये सारी नॉलेज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप इनके बारे में सर्च करें, जो जो हेडिंग दिख रहा है तो वो चीज आपको मिल जाएगा। पर यहाँ आने के बाद बहुत ही अलग फील होता है, बहुत ही अच्छा सा फील होता है। तो आप एक और इसका ओरिजिनल वीडियो भी फिर से सुने लें, आपको सुना दूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है ये,
उसको दो टुकड़ा किया जाता है, उसके बारे में यहाँ से किया गया है। आप लोगों को कैसा लगा ओरिजिनल वीडियो सुनकर? वीडियो ऑडियो, तो ऑडियो और वीडियो दोनों मैं आप लोग से शेयर की कि मतलब किस तरह का वहाँ फील कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग यूएई में रहते हैं या जो नहीं गए हैं तो बिल्कुल जाएं। बस ओनली ट्रेन दरम है, आप दो जगह विजिट कर सकते हैं और ज्यादा नहीं। हॉलीडे के दिन तो, और जो मतलब स्पेशल डे होता है ना, इतना भीड़ होता है। एक बार मैं आई थी, यहाँ इतना लाइन था, इतना लाइन था कि अंधेरा ही हो गया लाइन में लगने के बाद। बहुत भीड़ होता है। तो यहाँ पहले रेस्टोरेंट वगैरह नहीं थे, तो अभी रेस्टोरेंट वगैरह मतलब खुल गया है बहुत सारा। इसके अंदर डायरेक्ट एग्जिट है और ये लास्ट बताया जा रहा है। तो जैसे एंट्री थी वैसे एग्जिट है। यहाँ लास्ट में कुरान को भी दिखाया गया, पहले भी इंट्रो में भी कुरान को दिखाया और लास्ट में भी। अब यहाँ से गेट ओपन हो गए और हम लोग निकलेंगे बाहर। बाहर निकलने के बाद निशाज को जाना था वॉशरूम, और हम लोग इधर वॉशरूम उधर वॉशरूम, इतना वॉशरूम ढूंढे मिला ही नहीं। पता चला एक 15-20 मिनट हम लोग वॉशरूम ढूंढे, पूरा पार्क मैप में दिख रहे, बहुत दूर दूर दिखा रहा, और यहीं पे यहीं से निकले और यहीं पे वॉशरूम था। तो हम लोग का मतलब बेवजह ही 20-25 मिनट हम लोग का जाया हुआ इधर, मतलब बाहर यहाँ से निकलने के बाद। बाहर निकलने के बाद इधर निशास वेट कर रहा था, निजार वेट कर रहा था हम लोगों का। वो बहुत देर मतलब बोर हो गया, क्योंकि हम लोग अंदर अच्छा मतलब लगता है कि 30 मिनट्स तो लग गए थे, पर ये ऐसा दौड़ के आ रहा है जैसा लग रहा है कितना दिन के बाद इससे मुलाकात हुई है। ये देखिए एग्जिट गेट है, हम लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं। आने के बाद एकदम ही रात हो चुका है, बज चुका है रात का, 8 बज गया। अब हम लोग यहाँ से पुराने पार्क से बाहर जा रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? कल का और आज का दोनों मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा। मैंने वीडियो को कट नहीं किया क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से बारीकी से देखिए, और जो नहीं जा सकते, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो वो जो नहीं जा सकते तो वो आराम से वीडियो से ही देख सकते हैं। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। बाहर निकलने के बाद ये देखे साइकिलिंग वाली एरिया है, मतलब ये मतलब यहाँ सब साइकिल लेने मतलब लेकर 45 मिनट के लिए राइड पे ले सकते हैं। और ये रात में देखा कितना खूबसूरत सा प्यारा सा व्यू है ना इसका, मतलब लाइट जो जल रहा है इसका लगा हुआ है। तो सुबह में तो मैं वीडियो ले रही थी, इधर बहुत सनलाइट आ रही थी, अभी बहुत अच्छा है, एकदम साइलेंट हो चुका है। काफी लोग जा चुके हैं क्योंकि रात हो चुका है ना, और यहाँ से बाइक राइडिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिये 20 दिरहम है, और एवरी डे का मतलब वीकली आप 50 दिरहम दे, 45 मिनट ही राइट है। ऐसा नहीं कि आप 24 आवर या 12 घंटा 14 घंटा कर सकते हैं, टाइमिंग वही है, यहाँ से लेकर राइड कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग? आज का ब्लॉग यहाँ से खत्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और बज चुके हैं रात का, 9 बज गया है अब, क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल है। मैं सोची थी स्कूल होगा जाएगा तो, पर नहीं, अभी फिलहाल भी अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, और लगता है 2-3 दिन अभी ऑनलाइन चलेगा। देखते हैं कब तक ऑनलाइन चलता है। बहुत बहुत ज्यादा ही हम लोग मैं परेशान हो जाती हूँ ऑनलाइन होता है क्लास। तो वीडियो को यहाँ से खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखे।